इस वक्त की बड़ी खबर, इटावा में शिवपाल का बयान। इटावा में अहिल्या बाई की जयंती पर सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बयान। शिवपाल ने कहा कि हम सभी को अहिल्या बाई के आदर्शों पर चलकर समाज को आगे बढ़ाएंगे और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाएंगे। जो जातीय जनगणना 1950 के बाद से नहीं हुई है, जिसकी वजह से आरक्षण भी नहीं मिल पा रहा, हमारी हिस्सेदारी है और जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी भी है, और धनगर समाज को मिलना चाहिए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और जो आप लोगों को दिक्कत परेशानियां हुई हैं, आप लोगों ने बड़ा भाई माना है, तो हम बड़े होने का हक जरूर अदा करेंगे। हम लोगों ने किसी भी समाज की अनदेखी नहीं की। जो हमारा पिछड़ा समाज है, जिसको जो हक मिलना चाहिए, उस लड़ाई और हक को आगे बढ़ाएंगे, उस लड़ाई को लड़कर अपना हक लेकर रहेंगे। आपके साथ कोई भी परेशानी आएगी तो आपका बड़ा भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी अगुवाई के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। शिवपाल सिंह यादव का ये बयान जसवंत नगर का कल शाम का है, जहां पर अहिल्याबाई जयंती के अवसर पर मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था। इटावा से गौरव सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। बस ये हम कहना चाहते हैं, आज जो लोक माता अहिल्या होलकर जी का जन्मदिन है, हम लोग उनके जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो हमारे समाज के लिए, आपके समाज के लिए एक उदाहरण है। वो एक देवी के रूप में समाज में पैदा हुई है, देवी के रूप में, तो उन्होंने जो काम किया है ऐतिहासिक काम, तो हम सब लोगों को उनका, उनके आदर्श पर चल करके, उन्हीं जैसे हमारी बेटियां, हमारे नौजवान, उन्हीं के आदर्शों पर चल करके अपने अपने समाज को बढ़ाने का काम करेंगे। शिक्षा में भी आगे बढ़ेंगे और शिक्षा के साथ साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई को भी हम आगे बढ़ाएंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हम जो जन जातीय गणना है, जो गणना अभी तक 1950 के बाद जातीय जो गणना नहीं हुई है, जिसकी वजह से आरक्षण भी नहीं मिल पा, और आरक्षण के साथ साथ हम तो लोग कहेंगे हमारी जो हिस्सेदारी है, और हमारी जितनी हिस्सेदारी है उस के अनुसार भागीदारी हम लोगों को भी आज धनगर समाज के लोगों को मिलना चाहिए, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और जो जो आपकी परेशानियां दिक्कत होंगे, आपने जो बड़ा भाई माना है, तो हम भरोसा दिलाते हैं हम बड़े भाई का हक जरूर निभाने का काम करेंगे, और छोटे भाई को उतने ही हक, हक के साथ साथ उससे ज्यादा प्यार भी देने का काम। और ऐसी तरीके से अगर गोष्ठियां चलती रहेंगी, समाज को जगाते रहोगे। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने किसी भी समाज की अनदेखी नहीं की, किसी भी समाज की अनदेखी नहीं की, लेकिन जो हमारा पिछड़ा समाज, जिसको जो हक मिलना चाहिए, उस लड़ाई को आगे लड़ेंगे, बढ़ाएंगे, और उस लड़ाई को लड़ करके अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद। उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे, और जहां पर भी आपके साथ अगर कोई दिक्कत होगी, परेशानियां होगी, आपका बड़ा भाई आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के आपकी अगुवाई भी करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे।